वेलकम टू टेस्ट कहानी। आज हम बनाएंगे चिकन बोनलेस हांडी। सबसे पहले 3 मीडियम साइज प्याज को उबाल के ब्लेंड कर लें। 3 मीडियम साइज टमाटरों को भी उबाल के ब्लेंड कर लें। 1 कप चिकन की यखनी बना लें। चिकन की मैरिनेशन, आधा किलो बोनलेस चिकन में 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करें, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच लहसुन पेस्ट। तमाम अज्जा को चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स करें। आधे घंटे के लिए मैरिनेट करें। एक फ्राइंग पैन में 2 खाने के चम्मच मक्खन लें। एक चाय का चम्मच लहसुन पेस्ट शामिल करें। लहसुन को मक्खन में फ्राई करें। अब आधा कप दही शामिल करके मिक्स करें। दो खाने के चम्मच कद्दूकस हुआ खोपरा शामिल करें। पिसे हुए बादाम 8 अदद। अब इसमें बनी हुई टोमेटो प्यूरी शामिल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करें और 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करें, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ जीरा। अब 1 कप यखनी शामिल करें। अच्छी तरह मिक्स करते हुए पकाएं। टमाटरों के मसाले को उतार के रख लें। एक कढ़ाही में 3/4 कप ऑयल डालें। उबली और पिसी हुई प्याज शामिल करें। प्याज को अच्छी तरह फ्राई करें। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। अब मैरिनेटेड चिकन शामिल कर दें। चिकन को अच्छी तरह फ्राई करें। कवर करके 5-10 मिनट के लिए पकाएं। अब टमाटरों की ग्रेवी शामिल करें। एक कप फ्रेश क्रीम शामिल करें। कवर करके 5-10 मिनट के लिए पकाएं। खुश्क कसूरी मेथी से गार्निश करें। ढकना लगाकर 2-3 मिनट के लिए पकाएं।
मज़ेदार चिकन बोनलेस हांडी तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें।